आयरन की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, एनीमिया हो जाता है, मतलब आपको फिर थकान महसूस होती है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है। दूसरा, आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपकी एनर्जी लो हो सकती है, फटीग हो जाता है बॉडी में। सो वो एनर्जी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आयरन का होना। और कई जो वेमेन हु मेंस्ट्रुएट टू मच, तो उनका ब्लड लॉस बहुत होता है, तो उनकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर हम सप्लीमेंटेशन करते हैं। As I said, red meat is a very good source of iron. और जो दूसरे sources हैं, जो plant sources हैं, जिनके जो होते हैं white kidney beans हो गए, red kidney beans हो गए, pumpkin seeds हो गए, then lentils हो गए, अपनी दालें होती हैं, और nuts and seeds, peanut butter, green leafy vegetables, eggs and then raisins और किशमिश और प्रून्स। तो ये सारे सोर्सेज जो प्लांट सोर्सेज होते हैं आयरन के, तो उससे क्या होता है कि अगर आप ये सोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा अपनी डाइट में डालेंगे, तो आयरन डेफिशिएंसी का होना थोड़ा कम हो जाता है। कास्ट आयरन के बर्तन में अगर आप कुक करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आयरन ओवरडोज इज़ ऑल्सो अ कॉमन थिंग। आयरन जाके लिवर में भी जम जाता है, तो आयरन ओवरडोज नहीं होना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे को अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, हमारे को अनीमिया है, तो कितना आयरन लेना चाहिए। यूजुअली फेरस सल्फेट नाम की एक जेनेरिक दवाई होती है जो 325 मिलीग्राम के डोज में दी जाती है पर डे, और उसके कई सारे ब्रांड नेम्स होते हैं, तो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना आयरन चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो मैंने ये भी देखा है कि हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स होते हैं, उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा कई बार मेरे को दिखता है कि आयरन की कमी के वजह से ये हो रहा है, क्योंकि जो थायराइड फंक्शन है वो आयरन पे भी डिपेंडेंट होता है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स।